माता जी, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज के ब्लॉग की शुरुआत अभी मैं कर रही हूँ दोपहर के टाइम से, और मैं आई हूँ लकड़ी लेने और पशुओं को भी साथ में लाई हूँ। और आज अपनी बकरिया रानी को बांध के लाई हूँ, क्योंकि ये चली जाती है लोगों के खेतों में और फिर मुझे सुनाती है गालियाँ लोगों से, तो इसको मैं बांध के लाई हूँ। बाकी नहीं जाती है तो वो सब खुली है। और फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी ये ब्यास कामधेनु की ओर से हमें पनीर आया है, आधा किलो है, इसको बनाऊंगी। और पीछे से अगर आपको आवाज़ आ रही होगी कट कट की, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जेसीपी लगी है और ये इसी की आवाज़ आ रही है। तो ये है व्यास कामधेनु का पनीर, और ये हमें तब भेजते हैं जब इनके पास दूध एक्स्ट्रा हो जाता है, तो ये हमें पनीर बना करके भेज देते हैं। और इस पनीर की कीमत वो हमसे आधे से भी आधे रेट पर लेते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत फ़ायदा हो जाता है। पनीर भी घर पर मिल जाता है और उसका रेट भी बिल्कुल कम। इसको मैंने धो लिया जैसे ही मैंने लिफाफा खोला, और अब मैं इसको कट कर लूँगी। और कढ़ाई मेरी हमेशा गर्म हो जाती है इस टाइम, क्योंकि बाहर ना हवा लगी होती है, तो इस करके ना आग चूल्हे में देख रहे होंगे आप, बहुत तेज़ जल रही है, जिसके कारण ना कढ़ाई जल जाती है। तो तेल मैंने पहले ही रख दिया था, वो गर्म हो चुका है, और मैंने इसको नीचे ज़मीन पर उतार लिया है। मेरा जब तक पनीर कटेगा तब तक मेरा तेल ठंडा हो जाएगा, जब ठंडा हो जाएगा तभी मैं इसमें मसाले डालूँगी। और ये ठंडा हो चुका है अब, तो मैं अब इसमें डालूँगी मसाले। और ये जो आधा सा हिस्सा मैंने पनीर का रख लिया ना, तो पनीर काफ़ी था, हम तीन ही जन हैं खाने वाले, तो इसके हम बनाएंगे परांठे। और परांठे बनाऊंगी सुबह, अभी पनीर बना लेते हैं। और पनीर की रेसिपी ही आप लोगों के साथ में आज शेयर करूंगी, बट डिटेल से नहीं, क्योंकि मैंने पनीर आपको बहुत बार बना करके दिखाया है, बहुत बार मैंने आप लोगों के साथ में पनीर की रेसिपी शेयर करी है। और यहाँ पे सूखे मसाले मेरे जब भून जाएंगे, तो मैं इनमें प्याज और टमाटर और थोड़ा सा मैंने काटा है ये दरड़ा किया हुआ है अदरक, इसका पेस्ट भी मैं इसी में डाल दूंगी। तो ये जब तक मेरा पकेगा तब तक इसको थोड़ी देर लगेगी। और यहाँ पे मैंने हींग डाली है, हींग बारीक वाली नहीं है, जो आती है ना मोटी मोटी हींग, बस वही हींग है। और यहाँ पे हो चुका था तड़का, तो इसी में मैंने ऐड कर लिया है अपना कटा हुआ प्याज। और अब टमाटर भी मैं यहीं पे डाल दूँगी, नमक भी मैं यहीं पे डाल दूँगी, और हल्दी भी यहीं पे डाल दूँगी। और उसके बाद में मैं इसमें डालूँगी पनीर के टुकड़े जो कि मैंने कट करे हुए हैं। तो यहाँ पर जो मैंने पनीर डाली है मसाले में, जब हमारा मसाला भुन चुका था, तो मुझे ना इसको थोड़ी देर तक ऐसे ही इसी तेल में थोड़ा थोड़ा फ्राई करना है। और ये देखिए, ये मेरा हो चुका फ्राई, और इसमें मुझे जल लगानी है अपने हिसाब से, मैं किस तरह से इसमें जल लगाऊंगी, ताकि मेरी इसमें बस ज़्यादा नहीं थोड़ी थोड़ी ग्रेवी बने। और ये सच में बहुत टेस्टी बना था, चाहे कैसे भी बना लें, पर जो अपने घर की जैसी चीज़ों का स्वाद, थोड़ा थोड़ा करके लगाना है। और ये जो मेरा पानी है, इसको मैंने पहले गर्म किया हुआ है, उबाला हुआ पानी है ये, क्योंकि इसमें अगर हम ठंडा पानी लगाएंगे तो इसका जो टेस्ट है वो सारा निकल जाएगा, और हमारा जो पनीर है वो ख़राब हो जाएगा, फिर इसमें टेस्ट नहीं आएगा पनीर की तरह। तो ये देखिए, अभी बस इसमें सिर्फ और सिर्फ एक उबाली आएगी, और एक उबाली के बाद में ये आपको बढ़िया एकदम से ग्रेवी वाला पनीर लगेगा। चलिए, मैं इसको अब फटाफट से उबाल लेती हूँ। और इसके लिए मैंने अब थोड़ी सी इसकी जो आंच है वो तेज़ करनी है, तो ये एकदम से उबल जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें गर्म पानी लगाया है,
तो ये जल्दी से उबाल आ जाएगा इसमें। ये देखिए अभी मेरा एक मिनट भी नहीं हुआ और ये उबलने लग चुका है, तो मैं इसको उबाल लूँगी और फिर आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स 5 से 7 मिनट इसको मैंने पकाया और ये बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा। और ये देखिए थाली में मैंने सबसे पहले लगाया है वंशु के लिए। तो फ्रेंड्स अभी शाम का टाइम है और वीडियो की एडिट मैंने कर दी है, जो भी एक्स्ट्रा उसमें वॉइस ओवर भरनी होती है भर दी है, वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाएगा। और मेरी वीडियो डेली 5:20 पर आती है शाम को, तो ज़रूर साथ दीजिएगा। और आप लोगों का मुझे बहुत साथ मिलता है, ऐसी बात नहीं है कि आप लोग मेरा साथ नहीं देते हो, बहुत ज़्यादा साथ देते हैं आप लोग। और आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, इसके लिए आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज है 2 जनवरी 2022, तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास दिन है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान जी ने मेरा जो ज़िंदगी का लेखा जोखा है वो तय किया था और मेरे पतिदेव जी को धरती पर भेजा था 2 जनवरी 1987 को। तो थैंक यू सो मच भगवान जी मेरे पतिदेव जी को धरती पे भेजने के लिए। और आज है मेरे पतिदेव जी का जन्मदिन, तो अपने वीडियो के माध्यम से मैं अपने पतिदेव जी को देना चाहती हूँ जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ आए, भगवान आपको हमेशा खुशियाँ दे। और मेरे लिए आपने खुशी दी है, जितने भी खुशियाँ दी है, चाहे वो खुशी है या फिर गम है, वो आपके पास 100 गुना होकर के लौटे, ऐसी मेरी भगवान जी से माता रानी से प्रार्थना है। और बाकी मुझे कुछ भी नहीं कहना है, आप एक अच्छे इंसान हो और बहुत अच्छे इंसान बने, बस यही चाहती हूँ और कुछ नहीं। और आप लोगों से मुझे एक और बात करनी है, शाम को जब मैं आप लोगों की विशेष नए साल की आप लोगों की ढेर सारी विश आई थी, जब मैं पढ़ रही थी ना, तो मेरी आंखों में सचमुच आंसू आ रहे थे कि पहली बार मुझे इस तरह से किसी ने विश किया है जिसमें अपनापन और प्यार झलक रहा था। तो मेरे सच में खुशी के आंसू थे, गम के नहीं थे, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ आप लोगों से। आप लोगों ने मेरे लिए जो किया है, हर पल आप जो करते हो, उसकी मैं आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और प्लीज़ ऐसे ही साथ दीजिएगा, ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा, और हो सके तो मेरी वीडियो आप लोग शेयर करते रहिएगा आगे, ताकि मुझे और आगे बढ़ने का मौका मिले। और ये मुमकिन तभी हो सकता है जब आप लोग साथ दोगे, वरना तो किसी काम का नहीं है। मैं वीडियो बनाऊंगी, अगर आप लोग देखोगे नहीं तो फिर मेरा क्या मकसद यूट्यूब पे आने का। तो आप लोगों से बस यही चाहती हूँ कि जो प्यार आपने मुझे 2021 में दिया, वही प्यार आप लोग मुझे 2022 में भी देना। और माता रानी आप सभी के सपने पूरे करें। माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है उसके घर में 2022 में खुशियाँ ही खुशियाँ आए, सबके घरों में खुशियाँ आए, कोई कलेश ना हो किसी के घर में भी। बस माता रानी आप सभी को खुश रखे। आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी,